मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? तो मेरा हो चुका है मॉर्निंग, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ ज़्यादा नहीं, मैं अपना रूम टूर देने वाली हूँ। ये एक रेंट रूम है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, 1 BHK है। तो चलिए मैं आपको अपना सारा दिखाऊंगी, सारा रूम दिखाऊंगी, सारा पर्सनल चीज़ें एक्सप्लोर करवाऊंगी। तो चलिए हम एक कप कॉफ़ी खाते हैं अपने हाथ और फिर हम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो गाइज, मैं आपको आज अपनी रूम टूर करवाने वाली हूँ, जो कि आपको शायद अच्छा लगे। ये मेरे सारे ये डस्टबिन है और ये सारे मेरे शूज रखे गए हैं यहाँ पे। तो जनरली क्या होता है कि मैं ये शूज़ अब जिम या फिर एक्सरसाइज कुछ के लिए भी यूज़ करती हूँ, और ये जनरली ऑफिस अगर जाती हूँ तो ये यूज़ करती हूँ। बाकी के ऐसे नॉर्मल्स, कभी फैंसी, कभी हम घूमने जा रहे हैं तो कुछ भी हो रहा है, दैट्स आई एम यूजिंग इट। सो ये रहा मेरा एंट्रेंस पार्ट। अगर आप एंट्रेंस से ऐसे अंदर आओगे तो सबसे पहले ये मेरा शू दिखेगा आपको। यहाँ पर मेरा एक स्लीपर रखा गया है। तो बेसिकली ये है मेरा हॉल। तो जैसे कि ये रेंटेड हाउस है तो मैंने ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं रखा, तो जितना मेरे को ज़रूरत है मैंने उतना ही रखा है, उससे ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं रखा। और ये है मेरा ड्रेसिंग एरिया, जहाँ पे मैं अपनी जो भी ड्रेसिंग जो भी है वो मैं करती हूँ। सो ये है बैग मेरा, ये मेरी मम्मी का, मैं अपनी जो भी ड्रेसिंग जो भी है वो मैं करती हूँ। तो ये है बैग मेरा, ये मेरी मम्मी का बैग था जो कि बहुत पुराना है, और ये मम्मी ने मेरे को दिया था। और ये जो दूसरी वाली बैग है, ये मैंने शिल्पा रामम से लिया था। दिस इज़ सच अ नाइस बैग, बट मैंने इसे एक बार भी यूज़ नहीं किया है। और ये रहा एज यूजल मेरा जनरल प्रोडक्ट जो मैं हमेशा से यूज़ करती हूँ, सनस्क्रीन, सेरम, मॉइस्चराइज़र एंड गुलाबरी, व्हाटएवर दैट इज़। अब हम आते हैं इस बॉक्स पे। ये जो बॉक्स है ये बहुत ही प्रिटी बॉक्स है, ये आप ऐसे देख पाओगे। ये उडन का है, मुझे नहीं पता आप लोगों को ये कैसा लग रहा होगा, बट आई रियली लव दिस। ये बहुत ज़्यादा मेरे को सुंदर लगता है, और स्पेशली मैं यहाँ पे अपना ना जो कॉस्टली जो होता है, जो चीज़ें होते हैं ना, वो मैंने यहाँ पे रखे हैं। ये मैंने सीरम रखा हुआ है, ये ड्रॉप्स ऑफ लाइट, ये सारे बॉडी शॉप के हैं, ये मैंने 3 यहाँ पे रखा हुआ है। और ये फॉरेस्ट एसेंशियल की क्रीम है, और मैंने जस्ट इसके मतलब ये टेबल बहुत ही छोटा है, तो मैंने ये जो टेबल है, ये टेबल के जस्ट साइड में मैंने रखा है। ये एक बहुत प्यारा सा प्लांट, ये बहुत एक सुंदर सा मैंने यहाँ पे एक प्लांट रखा हुआ है। और ये जो मेरा एरिया है, ये बाथरूम एरिया है, ये बाथरूम है, तो ऑब्वियसली मैं आपको बाथरूम दिखाऊंगी नहीं। हाँ, तो ये लाइट है, तो ये जो लाइट है इसका बल्ब अभी काम नहीं कर रहा है, इसका बल्ब खराब हो चुका है। तो ये जो सेक्शन है वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, वो कुछ ऐसा टाइप का दिखेगा। और ये मेरा बाथरूम है, और ये मेरा ड्रेसिंग सेंस, ड्रेसिंग टेबल, ड्रेसिंग एरिया, वट एवर आप कुछ भी बोल सकते हो। तो ये है सेक्शन, यहाँ पे मैंने सोचा है यहाँ पे ना एक मैट मैं ऐसे लगा डालूँ, तो इट विल लुक गुड। बट अभी अभी मैंने शिफ्ट किया, बस 6 मंथ्स है, तो मैंने कुछ खास इसको डेकोर नहीं किया, क्योंकि हो सकता है कि मुझे यहाँ से कहीं और भी शिफ्ट करना पड़े। तो ये बहुत ही स्पेशल कॉर्नर है। तो ये जो है ये जो सेल्फ है, मैंने ये सेल्फ खुद से मैंने ये लगवाया है, तो ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ये मेरे कुछ क्लिप्स जो भी थोड़े बहुत हैं, और ये मेरे एक बैग है, और जब मैं ट्रेवल कर रही थी तो मैंने ये लिया था। तो ये है
दो छोटे छोटे चीज़ें, और ये है, और ये एक फ्रेम है जिसमें मैंने कुछ ऐसे डिकोर करके रखा है, और अब तो नाइट स्क्रीन, सो आई एम अगेन। और ये एक मेरा छोटू सा मनी प्लांट है जो कि ये मर चुका है, बट फिर भी मैंने इसे रखा है, व्हाटएवर इट इज, ये मुझे बहुत सुंदर लगता है जी। ऐसे मैंने इसे इसे डिकोर करके यहाँ पे रखा है, और ये मेरे लॉन्ड्री कभी कभी वर्ड्स नहीं आते, ये लॉन्ड्री बैग्स है, और इस पे ये ज़ारा के पॉलिथीन के अंदर मैंने अपना कुछ पेंटिंग्स का जो भी थोड़ा बहुत सामान होता है मैंने वो रख दिया है, और ये मेरे बैग्स हैं, और स्पेशली ये बैग मैं मतलब लैपटॉप के लिए यूज़ करती हूँ, लैपटॉप एंड जो भी इसके अंदर है, चार्जर एंड वन एक डायरी होता है मेरा, कुछ मेडिसिन विटामिन्स के, और एक पेन जो भी होता है मैं ये बैग में रखती हूँ। और ये बैग पे कुछ भी नहीं है, पर आई डोंट नो इसमें क्या है, पर चेक करते हैं। इस पे कुछ भी नहीं है, इस पे सिर्फ मेरा एक बॉडी शॉप का हैंड क्रीम रखा हुआ था जो कि ये बहुत पहले से ऐसे ही पड़ा हुआ है, सो मैं इसको ना इसके अंदर डाल देती हूँ ताकि ये मैं कभी भी जाऊँ तो मेरे को काम पे आ जाए। सो जनरली ये मेरा है बैक वाला सेक्शन जो यहाँ पे कुछ खास नहीं है, और मैंने यहाँ पे कुछ भी चेयर्स वगैरह कुछ भी नहीं रखा, बस एक अच्छा सा मैंने यहाँ पे कारपेट डाल रखा है, और ये मैंने कारपेट डाल रखा है, और सबसे प्यारा जगह ये एक मैक का वो है, मिनी सीरीज आप कुछ भी बोल सकते हो, बट दिस इज़ नॉट ओरिजिनल, बट मेरे को इसका क्वालिटी बहुत अच्छा लगा, तो ये एक यहाँ पर पड़ा है तो मैं इसे लेके यहाँ पे इसे सेट कर दूँगी। सो ये है क्या बोलते हैं इसको, मैक का बॉक्स जो मैं इसको बहुत कम यूज़ करती हूँ, बट इसके कलर्स कलेक्शंस बहुत अच्छे आप देख पा रहे होंगे, इसके कलर कलेक्शंस बहुत ही सुंदर है, बहुत ज़्यादा ही सुंदर है, तो कभी कभी अगर मन करता है तो मैं यूज़ करती हूँ, बट ये पैलेट मेरे को बहुत सुंदर लगता है, ये बहुत सुंदर है। और ये मेरे रूम का की, ये मेरी मैनेजर ने मेरे को गिफ्ट किया था जब मैं कॉग्निजेंस में थी, तब उन्होंने मेरे को ये गिफ्ट किया था, तो उसको मैंने की रिंग बना लिया है। और यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, ये मेरे ब्रशेस हैं ये मेरे, और ये मेरे यहाँ पे टिश्यू के सारे रहते हैं, और यहाँ पे माउथ वॉश है, और यहाँ पे मेरा परफ्यूम है, और ये जो मैंने आपको चेन्नई व्लॉग में दिखाया था ना हनी, वो है, पता नहीं ये कैसा है क्या है। और ये एक छोटा सा सेक्शन है जो मेरे को बहुत ही सुंदर लगता है, फ्रिज में मैंने कुछ इस तरह से इसको डेकोर किया हुआ है, तो यहाँ पे मोटिवेशनल कोट्स हैं, और इस पे कुछ भी नहीं है, ज़्यादा मेरे को बहुत ही सुंदर लगता है, फ्रिज में मैंने कुछ इस तरह से इसको डेकोर किया हुआ है, तो यहाँ पे मोटिवेशनल कोट्स हैं, और इस पे कुछ भी नहीं है, अब ज़्यादातर मैं इस पे फ्रूट्स रखती हूँ, और यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे अगरबत्ती, क्योंकि अगरबत्ती मेरे को बहुत पसंद है, जब भी मेरे को ज़रूरत होता है ना मैं तब भी ले आती हूँ। ये फ्रिज है, फ्रिज के अंदर दिखाना नहीं चाहती बट फिर भी व्हाटएवर मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या है। सोया मिल्क है, और एक ये रखा हुआ है, पता नहीं इसका एक्सपायरी डेट है या नहीं, नहीं पता, 21 तक है इसको मैं यूज़ कर सकती हूँ। और ये कुछ है, और ये कोल्ड ड्रिंक्स है, ये टमाटर समथिंग, ये मेरा वो चावल है कुछ भी, ये छोटा सा फ्रिज है, छोटा सा एक फ्रिज मैं खरीद रही थी। और ये हो गया मेरा हॉल वाला पार्ट, सबसे बड़ा चीज़ है, बहुत प्यारा सा चीज़ है। देखो मैंने ये टेबल मंगवाया था जो कि चुंबक से है, और जो भी सेल पे मेरे को मिल गया, इट्स सच अ नाइस, मेरे को बहुत सुंदर लगता है, इसका क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है, और ये मेरे को बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैं अपने कपड़े रख लूँ प्रेजेंटली, मेरे को एक्चुअली इस डेस्क पे अपना लैपटॉप रख के काम करना था, बट मैं लैपटॉप पे काम नहीं कर रही हूँ, मेरे पास और एक डेस्क है तो मैं इसको ऐसे कपड़ा रखने के लिए प्रेजेंटली अभी यूज़ कर रही हूँ। सो ये मेरे ट्रॉलीज हैं, दो ट्रॉली हैं, जनरली इस पे जो मेरे बाहर जाने के कपड़े होते हैं, मैंने अलमीरा यहाँ पे नहीं रखा हुआ है,
तो मैंने इस पे अपना सारा बाहर जाने आने वाले कपड़े मैंने इस पे पैक कर दिया है। और ये है मेरे दूसरा ट्रॉली जिस पे मैंने घर पहनने के कपड़े मैंने इस पे रख दिए। और ये मेरा कुछ टॉवल है और ये मेरा ना जानेमाज़ है, आपको पता है ना जानेमाज़ से नमाज़ पढ़ा जाता है, ये वो जानेमाज़ है जिससे मैं कभी नमाज़ पढ़ती हूँ। और ये जो सेक्शन है इस पर मैं अपना कप्स और जो भी छोटी छोटी चीज़ें वो रखती हूँ। और ये रहे मेरे किचन, एक्चुअली ये है किचन एरिया जो आप देख सकते हो, सब टोटली छोटा सा है बस किचन एरिया है, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये मेरे ऐसे मैंने फ्रूट्स रखा है यहाँ पे और ये वो सारी चीज़ें, यहाँ पे बर्तन सारी रखी हुई है और यहाँ पे कुछ ना फिनाइल और वो वगैरह रखा हुआ है ये है। और ये मेरा ना पानी गर्म करने वाला केटल है। अब अगर सेम किचन के आप दूसरे कॉर्नर पर आओगे ना तो मैंने ना ये सुंदर सा रैक रखा हुआ है, इसके फर्स्ट में मैंने ऐसे मनी प्लांट रखा हुआ है और दूसरे सेक्शन पे ना मैंने सिर्फ और सिर्फ ड्राई फ्रूट, ये ड्राई फ्रूट्स है और ये डेविडॉफ का वो है और ये आलमंड है, ये भी आलमंड है, ये स्प्रेडर है चोको स्प्रेडर जो मैं बहुत रेयरली खाती हूँ बट फिर भी मेरे को अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है कभी कभी खाना, तो मैं इसे ला के यहाँ पे रख देती हूँ। ठीक है, अब हम दूसरे सेक्शन पे आएंगे। तो ये घर का दिया हुआ घी है जो मैं हर दिन सुबह एक स्पून खाती हूँ। और ये कोकोनट ऑयल है जो ख़त्म हो चुका है, मतलब थोड़ा सा बचा हुआ है। और ये ना मिट्टी के बर्तन है, एक्चुअली ये बर्तन मैंने ना कहीं पे लस्सी पी हुई थी और ये लस्सी मेरे को इस ग्लास पे मिला था, तो मैं एक ग्लास मेरे को बहुत सुंदर लग रहा था तो मैंने ये ग्लास को कलेक्ट कर लिया। और इस पर मैंने फ्रूट्स खाए हुए थे, कुछ कस्टर्ड फ्रूट्स, तो इसके भी ये प्लेट पड़े हुए थे तो मैंने ये भी ले लिया। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ भी नहीं है, दिस इज़ अ मुल्तानी मिट्टी। और यहाँ पे छोटे से मतलब ऐसे स्नैक्स टाइप के कुछ, ये अदरवाइज ये बिस्किट समथिंग ऐसा कुछ है। तो ये हो गया मेरा रैक वाला सेक्शन। और यहाँ पे विंडो है, यहाँ ये छोटे से। तो अभी हम आते हैं बेडरूम की तरफ। तो बेडरूम का ये मेरा मैट है और मैंने इस तरह से स्क्रीन लगाया हुआ है। तो यहाँ आप जैसे एंटर करते हो ये आपको डोर मिलेगा जिस पे मैंने अपना टॉवल रखा हुआ है। और ये रहा मेरा बेड कुछ इस तरह से है। और यहाँ हम अगर आएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे मिलेंगे, ऐसे कुछ आपको मिलेंगे, ये आपको ऐसे स्कार्फ मिलेंगे यहाँ पे। यहाँ पे मैंने कुछ अपना सा छोटा मोटा सा पूरा कर लिया। और यहाँ पे ना आपको जीन्स मिलेगा और यहाँ पे मेरे विप्रो के कुछ ऑफर लेटर्स ये वो। और ये मैंने ना इस तरह से कुछ इसे सजा के यहाँ पे रखा है। और ये इसके पीछे ना मैंने सारे बैग्स मैंने यहाँ पे ना यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने इसको ऐसे पीछे हैंग कर दिया है। और यहाँ पे मेरे सारे जैकेट्स और जो भी विंटर के क्लोथ्स हैं ना, तो मैंने यहाँ पे सारे इसे वॉश करके इसको मैंने फोल्ड करके अच्छे से मैंने इसे यहाँ पे सेट कर दिया है। और ये है मेरा बेड जो कि मैंने बेड कुछ लिया नहीं तो मैंने नीचे ही गद्दा लगा दिया अपना आराम से। सो ये मेरा कुछ ऐसे ना स्टडी टेबल आप बोल सकते हो जो कि एग्जैक्टली ऐसे बेड के पास है। तो यहाँ पे मैंने अपना छोटे मोटे से बुक्स और पेन्स और ये और मैंने ये सजाड़ के रख दिया है। और ये जो है ना ये चॉकलेट्स हैं, कॉइन्स चॉकलेट्स, आपको पता है या नहीं पता नहीं, मैक्सिमम लोगों को पता होता है कि ये कॉइन चॉकलेट्स हैं। और ये मेरे ऐसे यहाँ पे पड़े हुए हैं। एंड अगर आप सेम ऐसे दूसरे कॉर्नर पे आ जाओगे ना तो यहाँ पे मैंने ऐसे कैंडल्स रखा है, ये रखा है और ये पेंटिंग्स मैंने यहाँ पे लगाया है, तो ये कुछ ऐसा दिखता है। और ये जो है ना ये बालकनी है, बालकनी, और मैंने वॉल पे ना कुछ ऐसा सेट किया। तो ये जो है मेरा टोटल ऐसे व्यू है यहाँ से, जैसे कि आप देख पा रहे हो टोटल। तो गाइस आपको कैसा लगा मेरा होम डे? मैंने इसे बहुत प्यार से बनाया ताकि ये सबको आपको ये बहुत अच्छा लगे। तो प्लीज़ मेरे को बताना कि ये कैसा।